हेलो बच्चों, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। अब हम आज व्याकरण का जो हमारा पार्ट है, टोटल 8 नंबर की व्याकरण आपके कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की सिलेबस में है, तो व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम करने जा रहे हैं। व्याकरण से आपके रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी पैटर्न के अनुसार और जो अपना बोर्ड का जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके हिसाब से हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और कुछ जो है वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। अब हम बात करते हैं हिंदी की उप बोलियों की, तो उसमें हिंदी की 5 उप बोलियाँ हैं, उसमें से एक है राजस्थानी। अब राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन एक है मेवाड़ी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है ब्रज और चौथा है मेवाती। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा ब्रिज, जो है ये राजस्थानी की उप बोली नहीं है। बाकी तीनों जो है ये राजस्थान की उप बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे मेवाड़ी मेवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर चित्तौड़ ये वाला इलाका है। मारवाड़ी जो कि मारवाड़ जोधपुर और आसपास का इलाका, यहाँ पर बोली जाती है। मेवाती ये अलवर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि ब्रिज जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रज प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कि व्याकरण के अंग हैं। तो व्याकरण के टोटल 4 अंग हैं, उसमें से पहला आता है वर्ण, वर्ण विचार, हम इसे पढ़ेंगे आगे से ना। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो ये व्याकरण के 4 अंग हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी सभ्य समाज का आधार उसकी रिक्त स्थान को माना जाता है। तो कोई भी ऐसा समाज जिसे हम सभ्य मान सकते हैं, कोई सभ्य समाज, उसका आधार क्या है? तो बच्चों सभ्य समाज का आधार होता है उसकी विकसित भाषा। किसी भी समाज की भाषा जितनी ज़्यादा विकसित होगी वो समाज उतना ही ज़्यादा सभ्य माना जाएगा। आप अनुमान लगाइए, प्राचीन जो मानव था, आदि मानव था, उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ था, और लेकिन धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सही तरीके से हम शिक्षा का प्रचार भी भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा रिक्त स्थान है और भाषा में यह रिक्त स्थान धीरे धीरे होता है। तो बच्चों भाषा जो है ये परिवर्तनशील है, भाषा जो है वो स्थायी बिल्कुल भी नहीं है, ये लगातार परिवर्तित होती रहती है। और ये परिवर्तन जो है ये धीरे धीरे होता है, परिवर्तन कभी भी एक दिन में नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में बिल्कुल कोई भाषा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया, विकास होता गया। और अलग अलग भाषाएं, जितनी भी भाषाएं, वो सारी भाषाएं जो है वो परिवर्तनशील है, सभी भाषाओं का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, कोस कोस पर पानी बदले और रिक्त स्थान कोस पर वाणी। वाणी का मतलब होता है वाणी, वाणी मैंने भाषा। तो कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदलता है, पानी का स्वाद टेस्ट बदलता है, और कितने कोसों पर भाषा बदलती है, ये एक कहावत है, आप इसे याद रखेंगे। तो बच्चों 5 कोस पर वाणी, ऐसे याद रखेंगे, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी, वाणी मैंने वाणी, वाणी मैंने भाषा। नेक्स्ट है बच्चों 6वां प्रश्न, अवधी उपभाषा रिक्त स्थान की बोली है। तो हमने भी बात करी ना कि हिंदी की कुछ उपभाषा है, जिसमें एक राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। तो इसमें से जो अवधी भाषा है वो कौन सी भाषा में आती है, तो ये पूर्वी हिंदी में आती है। तो याद रखना, अवधी भाषा जो है ये पूर्वी हिंदी की एक बोली है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं रिक्त स्थान परिवार की भाषा है। तो अभी हमारी जो वर्तमान में जो आधुनिक भारत की जो आर्य भाषा है वो किस भाषा परिवार की है? बच्चों भारोपीय, यानी भारतीय और यूरोपीय दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनाए भारोपीय, तो ये भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी एक होती है। तो बच्चों विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की अपनी लिपि होती है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि की कई सारी भाषाएं, जैसे हिंदी है, नेपाली है, संस्कृत है, मराठी है, तो ये सारी भाषाएं देवनागरी की। इसी तरीके से जैसे उर्दू है तो उर्दू की लिपि होती है फारसी, या फारसी में भी एक लिपि होती है नस्तालिक लिपि।
इंग्लिश की जैसे रोमन है ना, तो अलग अलग पंजाबी की जैसे गुरुमुखी, तो इस तरीके से सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। लिपि का अर्थ होता है लेखन शैली, अलग अलग भाषाओं की अपनी लेखन शैली होती है, एक विशेष लेखन शैली में लिखी जाने वाली भाषा एक ग्रुप में आती है, इसीलिए इनकी अपनी एक लिपि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नवा, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय का मतलब होता है हमारे जो भाव होते हैं, मन में जो विचार आते हैं उसको हम एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे के हमारे तक। तो ये विचारों का जो विनिमय होता है ये दो तरीके से होता है, या तो मौखिक रूप से होता है या लिखित रूप से होता है। लेकिन ये मौखिक और लिखित जो है ये दो रूप है, दो माध्यम है, ये भाषा के माध्यम है। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों, लिखित और मौखिक माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, ये इसका भी जवाब हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण रिक्त साधन रिक्त स्थान है। तो मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति यानी विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा यहाँ पे उत्तर भाषा। तो बच्चों प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की हमारे इस क्लास में हम ये 10 प्रश्न ही करेंगे। इस तरीके से 10-10 प्रश्नों की सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये सारे क्वेश्चंस एक जगह एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी सीरीज मिलेगी, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज, इतिहास के, पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। वहाँ पे पीडीएफ के रूप में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हम हमारी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन शेयर करते हैं, जैसे ही लाइव क्लास आती है हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में थोड़ी देर के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।